ना बंदा ना बंदे की जात है सिवाय आपके भाई के। रुको जरा सबर करो। चलो चस्कर आ गया उस्ताद पीछे से, तो फुल हैवी निजाम है। हल्ली बल्ली हल्ली बल्ली। बाकी जी पीछे फिश फार्म पे रुका था, वहां से मैंने पता किया था कि यार यहाँ जानवर कौन कौन से हैं, तो वो कहते हैं कि मारखोर के अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा खतरा नहीं है जानवरों से इस जगह पे कि आप कहोगे यार आप रात का सफर कर रहे हो तो कोई जानवर आगे आपको पकड़ लेगा, ऐसा कोई जगह नहीं है, इधर सेफ सीन है। बाकी यार मजे की जगह है, मजे का ट्रैक है और एडवेंचरिस्ट है फुल। ये गोलेन वैली जो है ये फुल एंड जहाँ तक मैं जा रहा हूँ उसे आगे भी सीन है तो वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन जहाँ तक जा रहा हूँ जंगल तक वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ तो आपको उसका व्यू चेक कराते हैं, बाकी मैं खुद चेक करूँगा। और गुलेन वैली माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। इसका ट्रैक इसका रास्ता बस थोड़ा सा कह लो कि ख़तरनाक है, सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, लेकिन ये है कि जगह बहुत प्यारी है, पहाड़ों के बीचों बीच है। और यकीन मानो कुछ गांव आता है तो कुछ पता चलता है बंदे रहते हैं, वरना ऐसा सीन बन जाता है कि पता ही नहीं है कि कोई इधर बंदा ना बंदे की जात, ऐसा सीन बन जाता है। इसके नीचे मिट्टी है, ध्यान से जाना पड़ेगा। ओह क्या साफ पानी, बाकी ये रोड दोबारा खराब स्टार्ट हो गई है। जस्ट आप कह लो कि अस्तोर से तकरीबन 5 मिनट पीछे, बल्कि 5 मिनट बहुत ज्यादा कह रहा हूँ कि 1 मिनट पीछे ही आपको रोड अच्छी मिलेगी और अस्तोर तक भी अच्छी मिलेगी, उससे अस्तोर से आगे दोबारा इस तरह की रोड आ जाती है। चस्कर आ गया उस्ताद पीछे से, तो फुल हैवी निजाम है और पाए किधर उधर इधर उधर हो रहा था। बाकी ये है कि सामान अगर पीछे होता तो शायद बाइक गिर भी जाता, लेकिन सामान नहीं है तो बाइक कंट्रोल फिर भी हो जाता है, लेकिन कुछ पता नहीं होता ना। बाकी तो पत्थर ही पत्थर है। बाइक चला जाएगा कि नहीं, आगे ग्लेशियर भी है। वहां तक इसी तरह का रोड है और ये साइड साइड से भी जा सकते हैं। यहाँ से उतनी वो रास्ता बना हुआ है, वहां से लेके जाएंगे। ओके है, साइडों से भी सब क्लियर है, बस रोड क्लियर नहीं है। बिस्मिल्लाह हम यहाँ से भी जा सकते हैं, वहां से भी जा सकते हैं। वहाँ से जाने के लिए हमें इस साइड से ही ठीक है। बस नुकीले पत्थर से आपने बचने ताकि टायर को नुकसान ना हो, बाकी रोड आगे सेट हो गई है। बाकी मलबा गिरा हुआ साथ, बाकी हाय लली बाबा जी बहुत डेंजर ये चेक करें वो आता।
थोड़ी देर रुकते हैं, बाइक को रेस्ट देते हैं और आगे व्यू चेक करो। ओए होए होए, और मैंने सन ब्लॉक भी नहीं लगाया हुआ फेस पे, ऐसी जगह पे ना धूप शक आपको ना कम लगे लेकिन नुकसान वो ज़्यादा देती है। चल भाई पारो पारो, पहाड़ों की शहजादी माशाल्लाह जी, कुदरत अल्लाह ताला की और इस रोड की मेहरबानी है कि हमें इसने हमें दी है। सफ़र शुरू करने से पहले घर से तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा था बेटा सन ब्लॉक ले जाओ। जब भी टूर किया मैंने सन ब्लॉक अपने साथ नहीं रखा, लेकिन इस दफ़ा रखा है और यकीन मानो बचत हुई है मेरी। वरना मेरा ये सीन होता है कि टूर करके मैं जब घर जाता हूँ ना, मेरी ये स्किन सारी डैमेज हुई होती है, यहाँ से ना सारी जली होती है ऐसे पॉइंट्स की वजह से। ये देखें नज़र आ रहा है सीन, पारो रही ये। दोबारा खतरनाक आ गया, चेक करते हैं इसको भी। चेक करके मैं आया हूँ और आपसे भी यही है कि जब आगे आपको इस तरह का नजर आए ना सीन, तो पहले जाके ना चेक कर लो। ये जो पिछला पैच था ये वाला, सांस फुला दिया इसने मेरा, बाइक फंस चुका था बिल्कुल ना, पीछे से कोई था कि जो थोड़ा सा फोर्स करे बाइक को और ऊपर की साइड पे आया, ऐसा कोई सीन नहीं था बल्कि चढ़ाई थी उस पर बाइक फंस गया था। तो बड़ी मुश्किल से कर करा कर ले आए ऊपर, बाकी अभी रेस्ट दे रहा हूँ उसको थोड़ी, खुद को भी और इसको भी। हैवी जी हैवी हैवी, आगे का अब क्या पता, हल्ली वल्ली हल्ली वल्ली। ये आगे रोड ना सेट हो जाती है, वो पैच खराब होता है जहाँ बाइक फंसने का खतरा होता है, जो पहाड़ के बिल्कुल साथ से जा रहा हो। इस तरफ अगर आप लोगों ने आना है तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो आप सोलो हो, दूसरा आपके पास पंचर का सामान और टूल किट वगैरह लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, अभी आगे सफ़र ऐसा है और मुझे जहाँ तक लगता है मैं पहुँच ही गया हूँ, थोड़ा सा ही सफ़र रह गया है, लेकिन वो अब आगे तक तो जो व्यू मुझे नज़र आ रहा है वो क्लियर ही है, तो उससे आगे का नहीं पता। बहरहाल माइंड ब्लोइंग, इस जगह पे आगे तक अल्लाह ने साथ दिया, इंशाल्लाह से दुआ है आगे तक पहुंच जाऊंगा, तो मैं पहला बंदा होऊंगा जो जा रहा है इस सीज़न में। रास्ते में मैं कहता हूँ ना बंदा ना बंदे की ज़ात है ना आगे है कोई, ठीक है अकेला ही हूँ और जा रहा हूँ। ये रॉन्ग डिसीजन भी है मेरा, बट ये राइट हो जाएगा अगर मैं उधर पहुँच जाऊँ और वापस पहुँच जाऊँ, ठीक है सही सलामत खुशी खुशी ठीक हो गए। बाकी रास्ता जा ही जा रहा है, जहाँ नज़र आता है मैं डाल देता हूँ बाइक, ठीक है। पहुँच गए तो झूले लाल, नहीं पहुँचे तो वापस। बाकी जी टोटल 8 किलोमीटर का सफर, बल्कि 9 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पहुँचा फर्स्ट ओवर से, और अभी तक कोई जंगल के नामो निशान नहीं नजर आ रहे। और मुझे डाउट यही है कि पीछे छोड़ आया हूँ ये क्या सीन है, लेकिन यकीन ये है कि आगे है, यकीन है ना, ये आ गया ना हुआ तो वापस आ जाएंगे भाई। ये
सही बात है, नहाना बनता है पहले। माशाल्लाह खूबसूरत जगह है, बेहतरीन, अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सप्लेनेबल वाटर क्रॉसिंग है पीछे वाली। क्या वो खूबसूरत, क्या ये छोटे छोटे नाले खूबसूरत, और क्या ये पीछे पहाड़ियाँ और ग्लेशियर खूबसूरत, और ये पीछे एक इन्होंने बना रहे हैं। अभी तक कोई भी नहीं है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात है सिवाय आपके भाई के। तो लाइक तो बनता है, कमेंट करके बताओ कि मेरा सफ़र यहाँ तक कैसा रहा। बाकी मैं अगर आपको बताऊँ तो यार सफ़र मेरा बेहतरीन, मतलब मज़ा आ गया। यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ और कोई भी नहीं है मेरे अलावा, इधर कोई भी नहीं, मेरे दोस्त तक नहीं है जो पीछे फिश फार्म में रुके हैं, और कुछ बातें भी हैं वो भी आपके साथ करेंगे। लेकिन इधर से आगे रोड जा रही है, आगे तक जाऊँगा मैं, बस टाइम है थोड़ा सा, आगे तक जाऊँगा देख के आऊँगा। लेकिन जो जंगल पॉइंट है वो यही है, और यकीन मानो यार ये हाथ मैली भी नहीं हुई है जगह, ठीक है, और इसको किसी ने करना भी नहीं है, मेहरबानी करो। साफ सुथरी जगह है, कोई गंद नहीं, कोई रैप नहीं, कोई बोतल नहीं, कोई कचरा नहीं, कुछ भी नहीं। मज़ा आ गया है यकीन मानो ऐसी प्योर जगह देखकर। जहाँ से गुलेन वैली का सफ़र स्टार्ट होता है, मेन रोड जो चित्राल की रोड से ऊपर जो गुलेन वैली की तरफ आते हो, अगर बंदा नॉन स्टॉप आए तो तकरीबन आपको 3-3.5 घंटे लगने हैं आप यहाँ तक पहुँच जाओगे अगर नॉन स्टॉप आते हो तो। अगर इसी तरह आप शाम के टाइम या दिन के टाइम फिश फॉर्म में पहुँचते हो तो आगे फिर मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप नीचे से सफ़र स्टार्ट करो और अस्तोर की तरफ आओ, ठीक है। अगर आप लेट सफ़र स्टार्ट करते हो मेरी तरह अस्तोर की तरफ आओ तो फिर वहाँ से आगे का सफ़र यहाँ तक करो। लेकिन अगर आप सुबह टाइम से निकलते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि डायरेक्ट इधर आओ, कैंप लगाओ, इन्जॉय करो। बाकी फ़िश फॉर्म से 18 किलोमीटर का रास्ता है, फ़िश फॉर्म से आगे आपको तकरीबन 2.5 घंटे लग जाने अगर रोड साफ़ हो, जिस तरह भी मेरे साथ मसला पेश आया पीछे रोड की वजह से, मलबा गिरा हुआ था पत्थरों का तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज़ ये है कि 2 घंटे का रास्ता है, इससे ज़्यादा का नहीं। बाइक सिंगल ही आओ तो सिंगल ही आना है, आप लोगों ने डबल वाली मिस्टेक कभी ना करना, सिंगल आओ सारे, और कैंप लाजमी लेके आओ, साथ अपने खाने पीने की चीज़ें लाजमी लेके आओ, क्योंकि इधर नीचे गुलेन जहाँ से स्टार्ट होता है ना, गुलेन चश्मा से लेकर यहाँ तक आपको खाने पीने की कोई अशिया नहीं मिलेगी, ना ही होटल। पीछे ये होटल जो है ये देख रहे हो आप, ये आई थिंक तो ये रेडी कह रहे हैं, अब ये क्या पता होटल ही है या फिर वैसे ही बना हुआ है, वैसे तो होटल ही लग रहा है रेडी है, लेकिन अभी भी इधर कुछ नहीं है। बता रहा हूँ कि यहाँ कोई भी नहीं है सिवाय मेरे, ठीक है, बस कोई जानवर ना आ जाए, अदरवाइज़ बंदा नहीं आने वाला है।
तैयारी कर लिया वापसी की कि यहाँ से वापस नीचे मैंने फिश फार्म जाना है और वहाँ से सामान शान लोड करके नीचे जाना है चित्राल मेन रोड पे। मेरे सारे दोस्त वहीं इंतजार कर रहे हैं, नाश्ता मैंने नहीं किया हुआ, नाश्ता भी करना है। बाकी आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको जगह। बाकी रिकमेंड करता हूँ आपको, लाजमी आना है आप लोग को। सारी डिटेल मैंने आपको बता दी, बाकी फिर भी कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए लाजमी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम का मेरा यूजर नेम आ रहा होगा सामने, मुझे DM करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में, अभी के लिए खुदा हाफिज बाय। जो पैच खराब था उसको सेट कर रहे हैं, कौन मैं इधर इनसे सलाम दुआ करने, तो इनका जो लीडर है वो पूछ रहा था कहाँ गए थे, मैंने कहा आगे क्या कहते हैं जंगल तक, तो हैरान हो गए पहले, तो कहते हैं आगे कोई है, मैंने कहा कोई नहीं है, कहते हैं साथ कोई है, मैंने कहा कोई नहीं है, अकेला ही हूँ क्योंकि इस रास्ते से गुजर गया हूँ। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया है, कहते हैं यार पिक्चर तो बनती है तुम्हारे साथ, पिक्चर वगैरह ली है। ये रुका हुआ था इसी पैच के पास ना, इन्हें मैंने कहा कुछ खाने को आया, तो इन्होंने ये मुझे ब्रेड दिया है इधर की ना चित्राली, तो इसको टेस्ट करते हैं क्या। तो ये इनकी रोटी है, इसे रोटी कहते हो आप लोग, रोटी आपकी है पराठा, पेट भरने के लिए ठीक है ये फीकी टेस्ट नहीं आ रहा इसका मुझे, कुछ ये शायद किसी चीज के साथ खाते हो, थोड़ा हल्का पेट भरने के नीचे तक जाके फिर नाश्ता करें, भूख हो गया।